हे ईश्वर, आपकी बड़ी कृपा, बड़ी प्लीज मेहर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। यह सब संभव हो रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद। कार्डियोलॉजिस्ट और गब्बर सिंह में क्या समानता है? टीचर ने पूछा स्टूडेंट से। अंशु ने हाथ खड़ा कर दिया। मैं बताऊं मैम? देखते हाँ बताओ। कहते दोनों में एक ही सलाह देते हैं। कहते क्या? तूने मेरा नमक खाया है, अब गोली खा। सर्वर बहुत दिनों से डाउन चल रहा था। बिंदु का काम रुक रहा था। बिंदु ने बहुत कोशिश की, सर्वर नहीं चला। हार के बिंदु ने एक दिन आरती रखी और आरती में उसने आरती गाई कुछ इस तरह से, सर्वर बाबा मान जाओ, सर्वर बाबा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा जरा चल के दिखाओ, सर्वर बाबा मान जाओ। और हैरानी की बात, सर्वर उसे समय से चलना शुरू हो गया। नो 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 संता अपनी पत्नी से, डियर आज से मैं ना सुबह घूमने जाया करूंगा, ठीक है? ठीक है जी, चले जाना। संता सुबह 4 बजे उठकर बाहर घूमने निकल गया। बाहर ठंड और कोहरा था। कांपता हुआ वापस आ गया और रजाई में घुस गया और बीबी से निपट कर बोला, जानू बाहर बहुत ठंड ज्यादा है। बीबी नींद में थी और बोली, और वो पागल ठंड में बाहर घूमने गया है। एक दुकानदार की एक औरत पिटाई कर रही थी। लोगों ने भी पिटाया, भैया पकड़ाओ उसे। ले उनके घरवालियों ने आके औरत का हाथ पकड़ा कि भाई क्यों ऐसे लड़ रही हो, क्यों मारे जा रही हो इस बेचारे को, इसकी तो नाई की दुकान है, ये तो नीचे दुकान करता है, तुम ऊपर में रहती हो, इसने क्या ऐसा कह दिया या क्या कर दिया? कुछ नहीं, साड़ी सूखने के लिए डाली थी मैंने, उनको ज्यादा नीची हो गई। अब इसने क्या कहा, नाई की दुकान जब खोली इसने तो कहता है, भाभी जी साड़ी ऊपर उठा लो, मुझे बाल काटने हैं। बस फिर जूत पत्रम कुशल क्षेत्रम खोपड़ी में दे धनादन दे धनादन दे धनादन। अंजू चौधरी पत्नी के साथ रोहतक से दिल्ली आया। बस में जब चढ़े तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, त्योहारों का टाइम था, इकट्ठी सीट ना मिल सकी। पत्नी तो आगे बैठ गई और अंशु जी पीछे वाली एकदम पीछे की सीट पर जाके बैठ गए। वहां उनको सीट मिल गई। रास्ते में चेकिंग स्टाफ चढ़ गया, उन्होंने अपना टिकट मांगा तो पत्नी ने 2 टिकट दिखा दिए। अब स्टाफ ने कहा, मैडम दूसरा कार सवारी कहाँ है आपकी? अब अंशु की पत्नी खड़ी हुई और बोली, ओ चौधरी खड़ा हो जा, देख तुझे देखने वाले आए हैं। दो भिखारी समुद्र के किनारे मिले, बेचारे 3 दिन से भूखे थे, बड़े परेशान। तो एक ने कहा, यार ये बोर्ड पे क्या लिखा है जरा पढ़ियो। उसने पढ़ा, डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक ने कहा,
कहता ऐसे है, मैं समुद्र में जाकर डूबता हूँ, तू बचा लियो, 500 रुपए लेके आधा आधा करके रख, खा लेंगे जो भी खाना होगा, 2 दिन से खाया नहीं है या 3 दिन हो गए। कहते ठीक है। पहले वाले ने समुद्र में जाके बीच समुद्र में जाके छलांग लगा दी, वो डूबने लगा। कहता बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, मुझे तैरना नहीं आता। वो चुपचाप खड़ा रहा, वो डूब गया। उसके बाद में उसने उसको निकाला तो उसको थोड़ी सी होश आई। कहता तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? कहता तू जिंदा है अभी, दोबारा डाल देता हूं। कहता क्यों? कहता लाश क्यों निकालने के 10,000 रुपए है। तभी एक लड़की उसके पीछे पीछे भागी भागी आई, लिफ्ट में घुस गई और उसने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगा रखा था, बड़ी खुशबू आ रही थी। लड़की ने एकदम देखा, अंशु भी बड़ा खुश हुआ ऐसे करता। तो लड़की ने कहा कोबरा 6,000, 10,000 रुपए। अंशु एकदम हिल गया। अगली मंजिल पे एक और लड़की चढ़ी, वो भी सेंट मार रही थी बड़ी बढ़िया। अब अंशु ने फिर किया, उसने कहा हाँ भूट परफ्यूम 7,000 रुपए। थोड़ी देर के बाद में दोनों लड़कियों ने नाक पे हाथ रख लिया। अंशु बोला मूली का पराठा 15 रुपए। अंशु 5-star होटल में गया कंपनी की तरफ से, वहां उसने चाय का ऑर्डर दिया। वेटर ने गर्म पानी, टी बैग, चीनी, दूध आदि लाकर रख दिया, सब चाय। अब अंशु ने गर्म पानी वगैरह मिला के चाय बनाई और पी ली। वेटर और कुछ चाहिए सर? यार चाहिए तो पकौड़े भी थे, लेकिन कहता लेकिन क्या? कहता लेकिन तू बेसन तेल सब्जी आदि लाकर मत दे देना, पकौड़ी ला के देना। नो 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 नो। वैलेंटाइन डे प्रेम प्रकट करने का दिन, एक गिफ्ट शॉप पर एक वकील साहब गए, उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे और सब पर लिखा हेलो जान, पहचाना, शाम को मिलो, आई लव यू। दुकानदार ने देखा सबके ऊपर में एक ही लाइन लिखी हुई, कहता सर ये क्या है, आप तो वकील हैं। कहता पिछली बार 20 भेजे थे, 1 महीने बाद में 3 तलाक के केस आ गए थे, अब के 40 भेज रहा हूं। अंशु तू बाजार से समोसे लेके आया था, तो तू सच बता, तूने यहां एक समोसा खाया सबके साथ? हाँ। तो बाजार में कितने खा के आया था? कहता 2। कहता 3 हो गए ना। कहता आप क्यों बता रहे हो सबको, ये तो हमारा धर्म है, जो लेने जाता है वो 3 खा के आता। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल फॉर इंक्रीजिंग माय मोटिवेशन।